नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। लेडीज, जब से पैदा होती है, मैंने देखा कि औरतों की भगवान ने अलग अलग स्टिचेस बनाई हैं। बेटी, फिर बहन, वाइफ, मदर, फिर ओल्ड एज। उतनी ही साथ साथ हमारी बॉडी भी ग्रो करती है, फिजिकल बॉडी एज वेल एज मेंटल बॉडी। थक जाते हैं बहुत बार, इमोशनल होती हैं औरतें, और इमोशनल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स कई बार फेस करनी पड़ती हैं, और उन्हीं सब चीज़ों का असर हमारी बॉडी पे भी पड़ता है। यहाँ पे मैं जो अभी बात करने लगी हूँ वो ब्रेस्ट इश्यूज़ की करने लगी हूँ, क्योंकि आपको वेदर आपको अच्छा लगे नहीं लगे, आपको फिर भी एक अपीयरेंस बहुत ज़रूरी होती है कि मैं एज पे ग्रो कर रही हूँ तो मेरी ग्रोथ के साथ साथ मेरी बॉडी फिर भी अच्छी फिट दिखनी चाहिए, है ना। तो ऐसा नहीं है कि क्रॉसिंग 40, जैसे 40 के बाद हमारी जो है मेनोपॉज की स्टेज शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ क्योंकि बॉडी में हार्मोन्स की कमी होने शुरू हो जाती है और बॉडी में सैगिंग शुरू हो जाती है, हमारे जो मसल्स हैं वो लूज होना शुरू हो जाते हैं, तो हम उनको बहुत ज़्यादा अलग अलग एक्सरसाइज, ऑक्सीजन इनटेक और बहुत सारे न्यूट्रिशंस की सहायता से हम उनको बहुत बार मैनेज करने की कोशिश करते हैं, बट क्योंकि टाइम है, जो चीज़ें टाइम के साथ चलनी है उन्होंने तो अपना रिजल्ट देना ही है। तो उसमें एक चीज़ आ जाती है जो लेडीज़ को मेनली परेशान करती है, वो है सैगिंग ऑफ द ब्रेस्ट मसल्स या बाकी बॉडी के बाकी पार्ट्स भी। तो मैंने जो इस पर वर्क किया है वो इस पर वर्क किया है कि क्या चीज़ें हैं जो हमारे सेलुलर, बिकॉज इट इज़ द सेलुलर पार्ट, हमारे जो ब्रेस्ट टिश्यूज बने हुए हैं वो बहुत सारे सेल से, ब्रेस्ट टिश्यू क्या हमारी पूरी बॉडी ही सेल से भरी हुई है, तो हम लोगों को क्या करना है कि मेरी जो सेल्स की इलास्टिसिटी मेंटेन रखनी है, मैंने उसकी जो स्टर्डीनेस मेंटेन रखनी है, मैंने उसकी मस्कुलर ग्रोथ मेंटेन रखनी है, मैंने उसके नर्वस सिस्टम और ब्लड सप्लाई उसको मेंटेन रखनी है, तो उन सब चीज़ों का जब हम लोग ध्यान रखते रहते हैं बहुत सालों तक, तो बहुत बार देखते हैं कि हम लोग एग्जाम्पल भी देखते रहते हैं कि ये लेडीज 60 की होगी, 70 की होगी, फिर भी इसकी बॉडी अभी भी ये यंग दिखती है। तो वहां क्या होता है, वहां पे ये होता है कि मुझे जिन हार्मोन्स की जरूरत है और मुझे अपने बॉडी को, सेल्स को रिवाइव करने के लिए जिन चीजों की जरूरत है, तो वो लोग उन चीजों का यूज करते रहते हैं। उन्हीं पे वर्क करके मैंने ये कॉम्बिनेशन बनाया है, क्योंकि हम लोग जैसे ही 40-45 तक पहुंचते हैं कि हमारी बॉडी में, जैसे ही मेनोपॉज शुरू होता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी चीज़ों की कमी, मेनली जो है ड्राइनेस होनी शुरू हो जाती है। तो ड्राइनेस के लिए हमने बनाया, उस टाइम प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन है उसकी कमी होनी शुरू हो जाती है, जिससे ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा और बहुत सारे फैक्टर होते हैं, मैं उन सबको बाद में लूँगी। अभी फिलहाल जो मेरा फोकस है वो है सेगिंग ऑफ द ब्रेस्ट मसल्स, सो दैट अगर हम उनको टाइम पे यूज़ करते रहे, हम लोग प्रॉपर मसाज करते रहे अपने टिश्यूज की, तो हम लोग हमारे जो मसल्स हैं वो इंटैक्ट रहेंगे, उनमें लूजनिंग नहीं होगी हमारे ब्रेस्ट टिश्यूज की। तो उसमें हमने यही ऑयल, मैंने कॉम्बिनेशन जो ऑयल का लिया है वो ऐसा है कि आपके टिश्यूज को रिवाइव रखे, उनको स्ट्रांग रखता है और उनमें सैगिंग नहीं होने देते। सो और साथ साथ जो चीज़ दूसरी हमें चाहिए होती है वो हमें प्रोजेस्ट्रॉइज चाहिए, प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन चाहिए हमारी बॉडी में, जो हम आपकी बॉडी में ड्राइनेस और सैगिंग जो है उस चीज़ को कंट्रोल करता है। क्योंकि मैं अगर हेल्दी हूँ, मेरे अंदर पूरी न्यूट्रिशन है, तो मेरे सेल्स लूज नहीं होंगे, वो तभी लूज होंगे अगर मेरे अंदर वो हार्मोन्स की कमी है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर हम लोग यूज करते हैं व्हेन वी 40-45, हर इंसान की जेनेटिक उस पर डिपेंड करता है कि कब उसमें ये मेनोपॉज और ये स्टेजेस शुरू होती हैं, तो तभी हमें इन चीज़ों की केयर करनी चाहिए, थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, शोल्डर रोटेशन करनी चाहिए, सो दैट सैगिंग नहीं हो आपकी। क्योंकि एक वीडियो देख रही थी, उसमें मैंने देखा था कि वो एक सेलिब्रिटी थी और उसमें उन्होंने ये पूछा कि आप जब एज, जब आप ग्रो कर रहे थे तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ उस किसने डिस्टर्ब किया था, तो शी गेव ये बड़ा अच्छा सा आंसर उसने दिया कि मेरे से ज़्यादा जल्दी मेरी ब्रेस्ट को थी लूज होने की। तो शी सेड कि देयर वाज़ ए कॉम्पिटिशन कि कौन जल्दी ग्रो करता है। तो
इसलिए हमें वहां पे एक स्टेगनेंसी जरूर लेके आनी है कि मुझे अपने मसल्स को इतनी जल्दी ग्रो लूज नहीं होने देना, और इसके साथ साथ हम इन जो ऑयल है इसको हम बॉडी पे भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे कि बॉडी में भी हमारी यहाँ पे हमारे पेट के मसल्स हैं वो भी लूज होना शुरू हो जाते हैं, आप देखोगे कि रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो हमें अपनी बॉडी का पूरी तरीके से हमें पूरी न्यूट्रिशन देनी है, हमारे हर एक सेल को हमें न्यूट्रिशन देनी है। तो सिर्फ यहाँ पे ये पर्पज नहीं होता कि मुझे हम लोग इस टाइम पे आके बोलते चैंटिंग करो, ये पाठ पूजा वो सारी चीजें तो अपनी जगह है, पर फिजिकल बॉडी आप इतनी जल्दी हमें मैच्योर नहीं होना है। सो हमें उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी मसाज है, हमें महीने में एक बार जरूर करवानी चाहिए। उसके लिए मैंने प्रॉपर ऑयल्स का कॉम्बिनेशन लिया है, नेक्स्ट टाइम मैं उसको ऐड करूंगी कि वो किन किन ऑयल्स का कॉम्बिनेशन है, सो दैट आपके सेल्स जो है वो इंटैक्ट रहे, उनमें लूजनेस नहीं आए, उनमें लिथार्जी नहीं आए कि वो लूज ना हो, और आपके सेल्स जितनी देर तक आप चाहोगे आप खुद को यंग रख सकते हो। सो दैट इज माय ओनली एम। और ये जो है एक प्रोजेस्टराइज और एक ये B16 मेरा ऑयल का कॉम्बिनेशन है जो हमारे टिश्यूज को रिटेन करके रखता है, उसमें ग्रोथ मतलब जो हमारी सैगिंग है उसको रोकता है। सो कीप ऑन वॉचिंग, नेक्स्ट आई विल बी टेकिंग अप लॉस ऑफ लिबिडो, औरतों का एक टाइम के बाद सेक्स में रुचि क्यों नहीं रहते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।